ये जो मछलियाँ हैं इसमें 7 टाइप की फिश आती है जो विदाउट ऑक्सीजन में रहती है। तो फ्रेंड्स, आज हमें परी फिश एक्वेरियम में और आज हम सबके साथ आदि भाई हमारे साथ में और वो हमें बताने वाले नो ऑक्सीजन फिश के बारे में। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि विदाउट ऑक्सीजन में कौन सी फिशेस रहती है, पता नहीं रहता है और बाय करके लेके जाते हैं शॉप से और बाद में वो मर जाती है। उसके बाद में उनको बहुत पछतावा होता है और बहुत सारे लोग हैं ना फिश मरने के बाद में ये हॉबी को छोड़ भी देते हैं। ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए आज का हमने वीडियो बनाया। अरे भाई, नो ऑक्सीजन फिश यानी ऐसी फिश जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद में भी वो आपके टैंक में बाउल में रहेगा, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले मैं आप लोग का स्वागत करूंगा फिश एंड प्लांट चैनल के ऊपर। मेरा नाम आरिफ मोमिन है और ये मेरा आज का टॉपिक है विदाउट ऑक्सीजन में रहने वाली फिशेस। जैसे कि नॉर्मली बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है कि भाई ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, लाइट चली जाती है, बहुत से एरिया में बहुत से गाँव में लाइट नहीं रहती है, 2-4 घंटे का प्रॉब्लम होता है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और बारिश का सीज़न आएगा तो उसके अंदर लाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू रहेगा उस टाइम पर, तो उसी रीज़न के ऊपर मैंने वीडियो बनाया विदाउट ऑक्सीजन फिशेस के ऊपर। विदाउट ऑक्सीजन में रहने वाली 7 टाइप की फिशेस आती है, जैसे कि बहुत से वीडियोस वगैरह बने जिसके ऊपर 5 टाइप की मछली बताई गई है, बट रियल में 7 टाइप की फिशेस रहती है। और कुछ मछलियाँ ऐसी है जिसका अभी तक अनुमान नहीं लगा सकता है कि बिना ऑक्सीजन में रहती है या नहीं रहती है। कैसा होता है कि अगर आपके पास टैंक बड़ा है, अगर आपने उस पर कम मछली रखा है, एग्जाम्पल आपके पास 2 फीट का टैंक है या 1.5 फीट का टैंक है, आपने 4 मॉलिस रखा है ऑक्सीजन वाली, तो भी वो सर्वाइव कर जाती है। बट जो रियल में रहने वाली मछली है वो 7 टाइप की है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कौन सी मछली है। एक्चुअल में मॉली फिश जो है वो नो ऑक्सीजन फिश नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन फिश नहीं है, बट क्वांटिटी कम रखेंगे, बड़ी जगह है तो वो ऑक्सीजन, हाँ, बड़े टैंक के अंदर आप कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन वाली फिशेज भी रख सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल तौर पर ज़्यादा बड़ी जगह है, कम मछलियाँ हैं, पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर लेते हैं, उनको कम नहीं पड़ता है, बट क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो पानी के अंदर का ऑक्सीजन की मात्रा उनके लिए कम हो जाती है, तो मोर्टेलिटी होती है, ऊपर आके सांस लेना चालू करती है, लटकती है, बफिंग करती है ऊपर आके, तो उस वो एक प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास बहुत बड़ा टैंक है, आपको कम मच्छी रखना है, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहरों के अंदर क्या होता है कि टैंक जगह की कमी रहती है, तो उनके लिए विदाउट ऑक्सीजन वाली फिश रखना है तो बेस्ट रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करूँगा बेटा फिश से। बेटा फिश के अंदर मेल एंड फीमेल बहुत दोनों भी आप रख सकते हो विदाउट ऑक्सीजन में, बट आपको फीमेल अलग रखना है और मेल अलग रखना है, ओके। इसके अलावा उसकी साइज़ भी बता देता हूँ आप लोग को मैं, जैसे कि अगर आप बेटा रख रहे हो तो आपको छोटे से बाउल या 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच या 12 इंच के इसमें भी आप उसको पाल सकते हो, ओके। बेटा को छोटे से छोटे इसमें भी आप पाल सकते हो। हाँ, बेटा को छोटे इसमें रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट अगर आपके पास टैंक्स है तो आप टैंक में भी पाल सकते हो विदाउट ऑक्सीजन में, आकर फिर आपने टप में रखा है तो टप में भी रख सकते हो। सेकंड के अंदर आप गप्पीज लेंगे, गप्पीज के अंदर आप ऑल टाइप्स की गप्पी ले सकते हो, एडलर गप्पी हो गया, बटरफ्लाई गप्पी हो गया, या फिर नॉर्मल कोई भी गप्पी, आप ऑल टाइप्स की गप्पी आप रख सकते हो, इम्पोर्टेड हो गया या इंडियन हो गया, कोई भी टाइप्स की गप्पी आप विदाउट ऑक्सीजन में रख सकते हो। एडलर गप्पी छोटी सी रहती है जिसकी टेल वी में होती है, थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, वो कभी कभी नॉर्मल गप्पी को भी मारती है। अगर प्लांटेड वगैरह आपके पास है या पॉन्ड में रखे हो तो कोई इशू नहीं है, बट आप नॉर्मली कोई भी गप्पी इजीली विदाउट ऑक्सीजन में रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। थर्ड वाली फिश की वैरायटी जो कि हम विदाउट ऑक्सीजन में रख सकते हैं, थर्ड वाली में आप गुरामीज रख सकते हो। गुरामीज में आप जितनी भी वैरायटीज आती है, पैराडाइज वगैरह गुरामीज में आती है, ट्रॉफ गुरामी है, रेड गुरामी है, नॉर्मल ब्लू येलो या वाइट में किसिंग गुरामी, ये भी रख सकते हो, जाइंट गुरामी है, ये भी रख सकते हो। बोलने का ये है कि मतलब कि गुरामी में ऑल टाइप की गुरामी आप विदाउट ऑक्सीजन में रख सकते हो। अगर आपको गुरामीज का ओनली फॉर सेटअप करना है, छोटा टैंक है आपके पास, तो आप इम्पोर्टेड गुरामीज आती है ड्रॉप में, नियॉन में एंड रेड में गुरामी आती है, हनी गुरामी आती है, बहुत टाइप्स की गुरामीज है, जो अलग अलग टाइप्स की गुरामी, आप चॉकलेट गुरामी वगैरह, ऑल गुरामीज आप विदाउट ऑक्सीजन में रख। तो अरे में गुरामी में हमारे पास में जाइंट गुरामी आता है, उसका कैसा चाहिए? जैन गुरामी अगर आप रखना चाहते हो तो मिनिमम 1-4 फुट का टैंक रहना ज़रूरी है, क्योंकि गुरामी का फुल साइज़ जो होता है 2 फीट तक का जाता है मिनिमम, ओके। स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये जैन गुरामी फिश है। हाँ, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये जैन गुरामी है। जैन गुरामी बड़ा हो जाता है, बट बचपन में जब रहेगा छोटा स्मॉल साइज़ का, 2.5-3 इंच का जो भी बाय करते हो तो छोटा साइज़ है, तो उसका इशू नहीं है, आप उसको 1.5-2 फुट में भी पाल सकते हो। मिनिमम एक टाइमिंग पीरियड तक जब उसका साइज़ बढ़ जाता है तो आपको टैंक की उसके लिए दूसरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि कंजेस्टेड जगह पे मछलियाँ रखने से मछलियों का बॉडी जो है वो सूखने लगता है, छोटा हो जाता है और आंखें बाहर आ जाती है। चौथी कौन सी फिश है जो कि हम विदाउट ऑक्सीजन में रख सकते हैं? फोर्थ में आती है शार्क की वैरायटी है, जो नॉर्मल शार्क रहती है, जो ब्लैक एंड वाइट में जो मिलती है नॉर्मली, वो भी विदाउट ऑक्सीजन में रह जाती है, तो
तो वो आप इजी तरीके से आपका, बट उसका भी टैंक बाउल में आप उसको नहीं पाल सकते, ये भी बताता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि उसका साइज़ जो होता है मिनिमम एक 2.5-3 फुट तक का जाता है उसका शार्क का साइज़। तो आप बाउल में उसको एक लिमिटेड पीरियड तक आप उसको रख सकते हो, बट थोड़ा सा चांसेस है कि उसका बाउल डैमेज करने का या फिर जंप मारने का बड़ा चांसेस होता है। तो आप उसके लिए टैग अगर आपके पास रहेगा तो आप नॉर्मली शार्क भी पाल सकते हो। ओके, यानी बाउल में रिकमेंड नहीं कर रहे हो आप, छोटे से टैंक में रखोगे तो भी चलेगा? हाँ, टैंक में रखेंगे तो बेस्ट रहेगा आपको, विदाउट ऑक्सीजन में आराम से रहेगा, बिना ऑक्सीजन में पल जाएगा। ब्लैक अल्बिनो दोनों आते हैं? हाँ, दो कलर आता है, व्हाइट में ब्लैक अल्बिनो एंड ब्लैक में आता है नॉर्मली, तो आप दोनों भी रख सकते हो बिना ऑक्सीजन में। आप ये गुरामीज के साथ में भी रख सकते हो, नॉर्मल गुरामी जो आती है ब्लू एंड येलो और ये वाइट किसिंग, इसके साथ में आप शार्क पाल सकते हो। ओके, यानी एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो विदाउट ऑक्सीजन फिश का, बिना ऑक्सीजन का। अगर आप ओनली फॉर शार्क एंड गुरामी पालना चाहते हो तो आप दोनों रख सकते हो साथ में। ओके, पांचवें नंबर पे आती है प्लेटीज, जो बिना ऑक्सीजन में रहती है। प्लेटीज में बहुत सारी वरायटी आती है, सनसेट प्लेटी और ग्रीन प्लेटी है, ओके, मिकी माउस प्लेटी है, बहुत सारी वराइटीज़ आपको जो प्लेटी में मिलेगी, जो आप उसको गप्पी के साथ में भी रख सकते हो विदाउट ऑक्सीजन में, और आप इसको नॉर्मली छोटे बाउल के अंदर भी उसको पाल सकते हो, आप प्लांटेड टैंक में भी उसको रख सकते हो प्लेटीज़ के वराइटी को। तो ये पाँचवें नंबर पर प्लेटीज़ है। पर भी छठे नंबर पर हमारा कौन सा फिश आएगा जो कि हम विदाउट ऑक्सीजन में रख सकते हैं? छठे नंबर पर आता है कैटफिश की वराइटी। कैटफिश जो है जो मॉन्स्टर में हम देखते हैं वो, हाँ, जैसे कि उसके अंदर एक ही टाइप होती है और बहुत सी टाइप है जो विदाउट ऑक्सीजन में रहती है कैटफिश में, जैसे मंगूर वगैरह जो ब्लैक जो नॉर्मली जो कैटफिश है जिसको मूछे होती है, बहुत से लोग बड़ा टैंक है तो पाल सकते हैं, बट इतना इशू नहीं है। उसके अंदर व्हाइट कलर की भी आती है, एक मार्बल में भी रेटल कैटफिश को ऑक्सीजन लगता है। क्लेरियस कैटफिश जो है वो विदाउट ऑक्सीजन में पल जाएगी, हाँ, क्लेरियस में। क्लेरियस जो होता है, व्हाइट मंगूर बोला जाता है उसको, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। तो वो वाला जो होता है जिसको मूछे होती है बड़ी बड़ी, वो वाली कैटफिश आप उसको इजीली पाल सकते हो बिना ऑक्सीजन के अंदर। बड़ा होने वाला मछली है, 2 फीट तक का साइज आता है, तो उसके लिए टैंक आपको लगेगा। उसके लिए आप स्टार्टिंग के अंदर आप उसको 1.5 फीट में भी पाल सकते हो, 2 फीट में पाल सकते, बट वो बड़ा हो जाता है आपको कम से कम 4 फीट से 5 फीट का टैंक लगेगा। सात नंबर पे आता है प्लेको, प्लेको में सकर बोलते हैं उसको, जो सक करता है, जो आप लोग बहुत से लोग ने देखा रहेगा, नॉर्मली टैंक के अंदर डालते हैं, वाइट में ब्लैक में आता है वो, दोनों सक जो है ब्लैक एंड वाइट में, अल्बिनो एंड नॉर्मल वाला, ये बिना ऑक्सीजन में पल जाता है। अगर आपके टैंक के अंदर काई हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है आपका टैंक, तो आप सकर डाल के, जिससे बहुत से लोग का होता है ना इशू कि ब्राउन एल्गी हो रहा है आरिफ भाई मेरे टैंक के अंदर, तो आप ब्राउन एल्गी को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने विदाउट ऑक्सीजन में इसको रखा है आरिफ भाई, हाँ, ये बिना ऑक्सीजन में प्लेको पल जाता है। मैंने ये फ्लोहन के साथ में रखा है, आपको ये देखेंगे उसके अंदर की जो आजू बाजू की जो दीवारें हैं वो क्लीन नजर आएगी आपको। ये जो प्लेको है ये चाटते रहता है, तो मैं इसकी जगह शिफ्ट करते रहता हूँ, कभी पीछे की तरफ कभी वो साइड में। ये जो पूरा सेटअप है, हाँ, ये सेटअप है, देखेंगे यहाँ पे शिफ्ट करते रहते हैं एक ही प्लेको को, हाँ, वही प्लेको को खाने के लिए मैं ये कंपार्टमेंट में अलग अलग चेंज करते रहता हूँ। इस पे आ गया है अभी एल्गी वगैरह, तो अभी उसका क्लीन होगा तो इसमें डालूंगा, इसमें क्लीन होगा तो इसमें डालूंगा। ये टाइप्स वाइज में लोग का ये जो ब्राउन एल्गी है ये जो है ब्राउनिश, ये चाट के क्लीन करता है। कल यहाँ पे था, उसके बाद पीछे है, फिर यहाँ पे, तो टाइप्स वाइज को खाना भी मिल जा रहा है, वहाँ पे वो क्लीन हो रहा है पूरा। हाँ, बिना ऑक्सीजन में पलने वाला प्लेको है, आप अल्बिनो एंड ब्लैक वाला दोनों भी आप इसको बिना ऑक्सीजन में पाल सकते हो। ओके, बट अरे भाई, हमारे पास में अगर विथ ऑक्सीजन वाली फिश है, यानी जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट जैसे कि कभी लाइन चले जाता है या हमें नहीं है हमारे पास में ऑक्सीजन मशीन या हमें नहीं लगाना है, तो उनको कैसे हम एडजस्ट करें विदाउट ऑक्सीजन में? देखो, मैंने तो आप लोगों को 7 टाइप्स की फिशेस जो बता दिया जो बिना ऑक्सीजन में रहने वाली है। अगर आप उसको छोड़कर अगर ऑक्सीजन वाली फिशेस भी आप बिना ऑक्सीजन में पालना चाहते हो, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना होगा, क्वांटिटी कम रखें। क्वांटिटी कम, टैंक की मात्रा अगर 2 फीट की है तो आप उसके अंदर बहुत मुश्किल से 4 मच्छी डाल सकते हो, 5 मच्छी डाल सकते हो, डिपेंड ऑन द साइज कि आप क्या साइज का बाय कर रहे हो। हाँ, अगर आपका टैंक 1.5 फीट का है तो आप 6 मौली रख सकते हो, ये बिना ऑक्सीजन में पल जाएगी। यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी है तो आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। क्या होता है कि हवा में जो ऑक्सीजन उड़ता है ना एयर पंप के जरिए से, जो पंप लगा हुआ है वो हवा में जब बबल्स उड़ते हैं ना तो उससे ऑक्सीजन पानी में मिल जाता है, तो उसके वजह से ऑक्सीजन मिलता है। आपका पानी नहीं हिल रहा है तो ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो रहा है तो आपको तकलीफ होगी। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपका टैंक बड़ा है, अगर आप कम मच्छी रखना चाहते हो बिना ऑक्सीजन में पालना चाहते हो, तो कम क्वांटिटी में पाले। एग्जांपल, आपके पास अगर 3 फीट का टैंक, आप बिना ऑक्सीजन में फ्लोरॉन भी पाल सकते हो, है ना, तो प्रोवाइड कर लेगा, आप पानी चेंज करेंगे उतना सफिशियंट हो जाता है उसके लिए ऑक्सीजन पानी के अंदर का। बट आपको क्या करना रहता है, उसका टाइमिंग पीरियड थोड़ा पानी चेंज करने का बढ़ाना पड़ता है,
अभी इसको आप हफ्ता भर 15 दिन तक नहीं चेंज करते, बहुत से लोग महीना महीना पानी चेंज नहीं करते, बट इसके अंदर आपको पानी चेंज करना पड़ेगा कम टाइमिंग पीरियड में आपको पानी चेंज करना अगर आपने ऑक्सीजन नहीं लगाया तो। अभी एक और बात बताता हूँ, बाउल के अंदर आप अगर गोल्ड फिश रखते हो बिना ऑक्सीजन में पल जाएगा। ओके, ये तो नया सुन रहा हूँ। बाउल के अंदर अगर आपने दो मच्छी रखा है गोल्ड फिश, अगर आपका 10 इंच का 12 इंच का बाउल है, आपने छोटा गोल्ड फिश रखा है, मीडियम साइज का रखा है, तो बिना ऑक्सीजन में पल जाएगा ओनली फॉर टू। ओके, हाँ, दो गोल्ड फिश रहेगा। अगर आपने 12 इंच के या 10 इंच के बाउल के अंदर आपने कोई टेट्रा पाल रखा है, 6 पाल सकते हो, रह जाएगा। ओके, ये हाँ, एक ये बोलते ना गणित है, ये एक गणित है, कैलकुलेशन है, कि वो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप मच्छी पालेंगे तो आपका मच्छी नहीं मरेगा, आपको एक टाइमिंग पीरियड पे पानी चेंज करना है, वही कैलकुलेशन है कि भाई मैं इतने टाइम में मुझे पानी चेंज करना है। अब बहुत से लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई पानी बहुत क्लीन है, जैसे एग्जांपल ये प्लांटेड का पानी देखेंगे आप, आपको नज़र आ रहा है पानी क्लीन है, एकदम एक्स्ट्रा क्लियर है। अब बहुत क्या बोलेगा, भाई मैंने फ़िल्टर लगा रखा हो, मैंने ये किया हो, मैंने वो किया हो, मेरा पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, एकदम साफ पानी है मेरा। अब ये पानी के ऊपर मैंने इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं इस टॉपिक के ऊपर आया हूँ कि बहुत से लोग पानी चेंज नहीं करते। अमोनिया एसिड जो होता है ना, आंखों से नज़र नहीं आता है टैंक के अंदर, बट वो रहता है टैंक के अंदर। तो आप लोग को क्या करना है कि पानी टाइम टू टाइम चेंज करना है। अगर आपने विदाउट ऑक्सीजन में आप ऑक्सीजन वाली मछली पाल रहे तो आपका टाइमिंग पीरियड बढ़ जाएगा। जैसे आप एक हफ्ते में करें तो 3 दिन में 2 दिन में आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। हॉबिस्ट रहता है लेकिन जगह नहीं रहती है, बहुत सारे छोटा सा बाउल ले लेते हैं, छोटा सा फिश टैंक ले लेते हैं जगह ना होने की वजह से या कुछ रीज़न के वजह से, या डेस्कटॉप पे रखने के लिए, तो उनके लिए कौन सी नो ऑक्सीजन फिश आप रिकमेंड करते हो जो कि यानी बेस्ट रहेगा? स्टार्टिंग के जो भी प्रॉब्लम आता है ना, ये तो ये बिगिनर लोगों के लिए ज़्यादा आता है कि जैसे कि नए नए आ रहे हैं, कुछ नॉलेज है ही नहीं और मच्छी के अंदर सिर्फ मच्छी रखना है, तो बाउल वगैरह लेते हैं ना स्टार्टिंग में, तो उन लोग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा गुरामीज एंड फाइटर और नॉर्मल। बहुत से लोग आते हैं, टैंक छोटा होता है बट उनको मॉन्स्टर मच्छी चाहिए पालने के लिए। हाँ भाई, हाँ टैंक है ही नहीं फिर भी मॉन्स्टर पालना होता है, ये एक इशू आता है काफ़ी ज़्यादा, तो बोलता कि भाई ये तेरे इसमें नहीं पलेगी। जैसे एग्जांपल आदमी आ रहा है, 1 फीट का टैंक है, उसके अंदर शार्क चाहिए उसको, 1 फीट के टैंक के अंदर शार्क कितना टाइम तक रहेगा, फिर वो जम मारेगा, मोर्टेलिटी होगा, मरने के चांसेस है, उसके साइज़ भी बढ़ेगा, आँखें बाहर आएगी, बॉडी सूख जाएगी, तो वो एक प्रॉब्लम आएगा। तो अगर बताता हूँ छोटी मच्छी ला लो तो बोले नहीं नहीं यही चाहिए यही चाहिए, तो वो एक इशू है कि भाई छोटा टैंक है तो छोटी मछली पड़ेगी, बड़ा टैंक है तो मोस्ट मच्छी पलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगर एक टाइमिंग पीरियड है आपका, टैंक 2-2.5 फीट का टैंक है, तो आप नॉर्मली छोटा मच्छी रख सकते हैं, बड़ा होने वाला भी रख सकते हैं टाइमिंग पीरियड तक। थैंक यू आरिफ भाई, तो बहुत ही अच्छा सा नॉलेज आपने हमारे साथ में शेयर किया है। आरिफ भाई ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया कि कौन सी फिश कौन से साइज के टैंक में और कैसे रखना है, और इसी के साथ में ये भी बताया कि ऑक्सीजन वाली फिश को भी विदाउट ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।